पटना में हुई विपक्ष की महाबैठक, किन रणनीतियों पर हुई चर्चा, महाबैठक में क्या महाघोषणा हुई, कैसे हिलाने वाले हैं बीजेपी की चूले। पटना में विपक्षी एकता की बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की 15 पार्टियां शामिल हुई। 2024 में होने वाले आम चुनाव से बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कुछ फैसलों पर मुहर भी लगाई गई। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है। बैठक में शामिल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक अब शिमला में होगी। उन्होंने कहा कि हमने 3 प्रमुख बातों पर जोर दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। हमने तय किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे, मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। हालांकि विपक्ष की इस बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक टाई टाई फिश हो गई। नहीं, और ये मुद्दा नहीं ना, मुद्दा तो था सीट शेयरिंग का, मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई? आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? तो न तो नेता के बारे में कोई चर्चा हुई, न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, न तो नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ, नहीं जो एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ। इस बैठक में से तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई, इसमें से तो कुछ नहीं निकला जो है।